बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक, तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने और बहुत ही मज़ेदार दो लोगों लेके आए हूँ और बहुत मज़ा आने वाला। सो गाइस आप करो वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कुछ लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्रिएट करने के बाद हम इसका साइज़ जो है वो 1 पॉइंट कर लेते हैं सारा। ओके, इसको हम करते हैं डुप्लीकेट। ओके, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। बट आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी क्रिएट करना है कि 2 लेटर लोगों को क्रिएट करना है, तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 2 लेटर या कोई भी मतलब 2 लोगों जो है वो क्रिएट करने हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो स्केच है वो एक साइज़ के होना चाहिए। ये ना हो कि एक साइज़ बड़ा हो एक छोटा हो, ये नहीं आप लोगों ने काम करना, हमेशा एक ही साइज़ है। इसलिए मैंने आप लोग को समझाने के लिए ये जो है वो पहले सबसे पहले ये वाली लाइन्स लगाई हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये किया, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पहले तो मैं इसको जो है एक साइड पे लेके जाता हूँ। ये मेरा ओके है। अब मैं नेक्स्ट क्या करना हूँ, तो मैं यहाँ पे शील्ड को जो रेडी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक गोल कर्सल लगाया है और यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्रिएट कर लूँगा। करने के बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, मैंने ये वाला जो है वो यहाँ पे रेडी कर लिया है। करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो शेप टूल को लेना है, इसमें जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब आप लोगों ने जस्ट इसको जो है वो अनग्रुप करना है और एक साइड पे ले जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी नहीं चाहिए था हमें। अब ये वाला जो है इसको मैं उठा के यहाँ पर लेके आऊँगा। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 2 लेटर आप लोगों को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे तो अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, अब इसमें हमने गोल कर्सल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को गोल कर्सल का पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। इसका साइज़ जो है यार मैं वो 1 पॉइंट कर लेता हूँ ताकि वो आपको पता है इस्तेमाल हो जाता है, सो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आपने ऐसे ही इसको इस्तेमाल करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को यार मैं जिस तरह समझा रहा हूँ आप लोग को एक एक चीज़ यार समझ आनी चाहिए कि आप लोग ये ना बोलें कि हमें सर हमसे नहीं ये हुआ ये वो ये। ठीक है, ये ना मुझे यार सुनने को मिले। ठीक है यार, देखिए अब मैं कितनी मेहनत करता हूँ जस्ट क्या है कि आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या आप लोग यार कुछ सीख लो बस। इसको आपने ऐसे ही परफेक्ट कर लेना है और इसको ऊपर लेके आना है सेंट टू फ्रंट पे। ठीक है, और इसका बीच वाला कलर ऑफ कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब आप इसको पहले तो इस तरह बड़ा करेंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस। और इसी तरह यार जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और ऐसे ही इसकी वैल्यू को कम करते जाना है आप लोगों ने। ना समझ आए तो इसको जूम कर लो। ठीक है, जूम करके इसको देख लो, इसको 1 पॉइंट कर लो फिर दोबारा, अगर साइज़ छोटा बड़ा होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका परफेक्ट होना चाहिए लोगो। ठीक है, ये वाला तो इसको फिर हम छोटा कर देंगे यहाँ पे, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखिए मेरा दोनों जो स्केच हैं ये एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब कोई भी इसमें 19-20 का भी जो है वो फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यार ये इसी तरह जो है वो अपना जो भी अगर आप लोग 2 लेटर क्रिएट करते हो तो आप लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर पहले गोल कर्सल वाले की साइड पर आते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। शेप टूल को लेते हैं और इसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, और इसमें हम लोग मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, आप इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। चले मैं यहाँ पे डी को कर लेता हूँ। ठीक है,
ओके, ये को मैंने डी को किया है, ओके, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्टाइलिश इसको करेंगे, और डी को किया है, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे मेरा ए जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिल कर लेते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत यार हमारा बन गया लोगो, ठीक है। तो मैंने यार सोचा है कि वीडियो में आप लोगों को दो आइडिया दे देता हूँ अलग अलग क्या बनानी है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप बहुत सारे पंगे लेके अपना लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे यार थोड़ा सा जूम करोगे ना तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये हमारा इतना जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके भाई, हमारा यहाँ पे ये वाला डी और ए जो है वो कर सकते हैं आप, इसमें जी और ए से लेके जी तक यार कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ए और डी को किया है, तो यहाँ पे भी ए और डी को कर सकते हो। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा पंगा लेते हैं और इसमें कुछ और क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करें, ग्रेट, इसमें चलें 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 चलें, देखते हैं भाई इसमें क्या क्रिएट करें। तो यहाँ से मैं अभी स्टार्ट कर लिया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ओके, मैंने इसमें क्या किया है भाई, इसको मैंने कर लिया है एस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने एस कर लिया है भाई, ठीक है। और अब यहाँ पे ए को कर लो, इसको उल्ट कर लो, ये ले, ये वाली चीज़ें आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये आप लोगों ने खुद ही देख लेना अब, ठीक है। तो ये चीज़ यार मैं चाहता तो आप लोगों को चाहूँ तो एक ही वीडियो में 6 6 6 7 5 जितने भी लोगों चाहे मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, एक ही स्केच में रहते हुए आप लोगों को सिखा सकता हूँ, बट यार वो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इसलिए मैं फिर मैंने कहा यार 2 2 ही काफ़ी हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ओके हो चुका है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि यार इसको भी ये जो हमारा ए है, तो अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से भी यहाँ तक भी लेके आ सकते हो। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको आइडिया, मेरा काम था कि आप लोगों को आइडिया देना, ठीक है। तो ये चीज़ देख लें आप खुद ही, इस तरह जो है वो ये होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, इनको खुद ही देख लेना, ठीक है। तो गाइस मेरा यहाँ पे दोनों लोगों जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, ये अभी आप देख सकते हैं। एक ही स्केच में हमने एक सेम स्केच जो है वो रेडी किया, एक मतलब एक ही साइज़ के, और उसमें मैंने क्या किया कि उसमें मैंने गोल कर्सल को यूज़ किया। आप इसमें पॉलीगॉन को भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट इसको हम लोगों ने अनग्रुप करना है, कट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे, और इसको भी हम लोग सबसे पहले तो यार इसको मैंने पेस्ट ही नहीं यहाँ पे किया, इसको पेस्ट कर दूँ और इसको जो है वो कट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा,
यहाँ पे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कितना कूल और कितना मस्त यहाँ हमारा यहाँ पे लोगो जो है वो लग रहे हैं दोनों, ठीक है। तो नीचे आप अपनी कंपनी का जो है वो नाम लिखेंगे और जो टैगलाइन जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। आई होप किसी ने का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाई कर देंगे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। गाइस खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और आप लोगों को मेरा आइडिया कैसे लगा आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो गाइस सोच रहे दूसरों को भी सोच रहे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।